भारत में प्रसिद्ध दुर्गा जी मंदिर। नवरात्रि का मतलब 9 दिनों का त्योहार। संस्कृति में नव का मतलब 9 और रात्रि मतलब रात होता है। नवरात्र में 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है, जिससे हमारे शरीर में मौजूद मुख्य 9 छिद्रों, मुख, आँख, कान, नाक, लिंग और गुदा को शुद्ध करने का अति शुभ समय है। इन दिनों में दुर्गा माँ की 9 शक्तियों की पूजा होती है और 10वें दिन को हम विजयदशमी या दशहरा भी कहते हैं। नवरात्र वर्ष में 2 बार होते हैं, प्रथम बार चैत्र में एवं दूसरी बार अश्विन मास में। चैत्र के नवरात्र को वांस्तिक एवं अश्विन के नवरात्र को व्रत बड़ा ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को रखने से मन तथा तन दोनों को ही शांति मिलती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं माँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, यह दुनिया भर में सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर है, जो 5300 फीट की ऊंचाई वाली त्रिकुटा पर्वत जम्मू और कश्मीर में बसा हुआ है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। दुर्गा मंदिर, इसे मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बंदरों का वास है, जो हर आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ खेलकूद करते हैं तथा उनके हाथों से मूंगफलियां छीन लेते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में बसा हुआ है। करणी माता मंदिर, 600 साल पुराना राजस्थान में बसा करणी माता का मंदिर केवल चूहों से भरा हुआ है। इस मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर कामाख्या में है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है, जो तंत्र मंत्र के साधना के लिए विख्यात है। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्ति के पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट भी है।